सिविल सर्विस में टॉप कर रहे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, हमारे समाज को ये मालूम है, ये पता लग चुका है कि हमारे ग्रेटेस्ट एवर बाबा साहब सूट बूट और टाई में कैसे दिखते हैं। तो जिस समाज के ऐसे प्रेरणा स्रोत हों उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, समाज को आगे ले जाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता, इसमें हम सबको मिलके समर्पण और डिसिप्लिन के साथ जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं उनको अमल में लाना होगा। हम अपने परिवार में माताओं को, बहनों को और छोटे बच्चों को ये जरूर शिक्षा दें कि आप 10 मिनट 15 मिनट बाबा साहब को पढ़िए, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, किस तरह उन्होंने शिक्षा ली, कैसे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने झंडा गाड़ा और भारत का संविधान लिखा। और उस समय में जब आपके लिए कोई दरवाजा नहीं थे, जब वो विदेश से लौट के वापस आए उन्होंने देखा। अच्छा, एक चीज बताइए, एक छोटी सी किताब है वो 11 दिन, किसी ने पढ़ी है? तो पढ़ी है, जागरूकता है। बाबा साहब जब वापस विदेश से पढ़ के आए और जैसा कि उनका कमिटमेंट था तो उन्होंने जो गायकवाड़ जी थे उनके वहां पर नौकरी करना स्टार्ट किया। तो वहां पर जो नीचे जो लोग उनके थे, उनके ऑफिस में जो लोग थे उस समय, उन्होंने उनको पानी तक नहीं दिया था, फाइल भी फेंकते थे। और ये रियल स्टोरी है। आप देखिए वो 11 दिन उन्होंने किस तरह बिताए। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जातिवादी व्यवस्था जो है ये पॉइजन लोगों के ब्लड में आ चुका है, इसको इस तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। आप कितना भी पढ़ लिख लें, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, कितना भी टैलेंट हो, IAS का नंबर 1 पर आ जाएं, टीना डावी बन जाएं, कटारिया बन जाएं, बड़े से बड़े इंजीनियर डॉक्टर और एडवोकेट बन जाएं, लेकिन जो जाति व्यवस्था का जो स्वरूप है, जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था बना दी गई है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर हमारे पास क्या विकल्प है? कोई भी आर्टिजन होगा, ऑपरेटर होगा, बढ़िया से बढ़िया हमारे समाज का मिलेगा, क्योंकि हम शुरू से ही स्किल्ड वर्कर रहे हैं, हमारे अंदर शुरू से हुनर रहा है और ये देश हुनर से चलता है, जाति व्यवस्था से नहीं चलेगा। तो आने वाले समय में हमें क्या करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम सबसे बड़े आर्टिजन्स हैं, हमारे हाथों में हुनर है और हमारे व्यापार को दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया है, दूसरे लोगों के हाथों में चला गया है, वो चला गया है बलपूर्वक, छल पूर्वक, अन्य तरीकों से, साम दाम दंड भेद से, वो हमारे हाथों से दूसरों के हाथों में चला गया। तो अब उसको हमें रीगेन करना है। बाबा साहब ने, मैंने जब 1955 में बाबा साहब लघु उद्योग मंत्रालय के ऑफिस में आए थे, जहाँ मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, तो बाबा साहब ने वहाँ पर विजिट किया था और उनके ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोज मैंने देखे, तो मैं देख के दंग रह गया। ये उनका विजन था कि नौकरियां तो ठीक है, 5 साल 10 साल बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए रहेंगी, इससे पूरा समाज लाभान्वित नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप।
हमें उद्योग धंधों पर शेयर लेना पड़ेगा, उद्योग धंधों के अंदर जाना पड़ेगा, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये सब आने वाले वक्त में सफलता की कुंजी है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो अपने हुनर को दोबारा से रीगेन करना पड़ेगा और इंडस्ट्रीज के अंदर हमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। उद्योग धंधे छोटे छोटे हम स्टार्ट करें, लगाएं, एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि एक उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट अपने साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाता है। एक उद्योगपति अपने यहाँ बहुतों को रोजगार देता है और साथ साथ में एक लेगेसी छोड़ के जाता है। आप देखिए जितने बड़े बड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के दामोदर घाटी वैली परियोजना से लेकर कोई भी आप देख लीजिए, मैक्सिमम बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमें अपने पूर्वजों पर इतना नाज होना चाहिए कि उनको देख के सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, उनको कॉपी करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस उनको ये देखना है कि हमारे जो ग्रेटेस्ट एवर साहब हैं उन्होंने हमें कहाँ पर छोड़ा और मान्यवर काशीराम साहब ने उसको कहाँ तक लेके गए, उनको याद रखना है और अपने उद्योग धंधों की तरफ जाना है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम आपस में एक दूसरे के बाद एक दूसरे को बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा एंटरप्रेन्योर, कौन सा बिजनेस आने वाले समय में फ्लरिश कर रहा है, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ये सब पता होना चाहिए। और इसमें मेरे जैसे लोग जो लगे हुए हैं आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप प्लीज़ कभी भी आए, आपको मेरा नंबर रंजीत जी और आदरणीय हरीश जी के पास मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्किलिंग की बात है, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम अपने बच्चों को छोटे छोटे हुनर सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो छोटे छोटे हुनर सीख के बच्चे आगे बड़े बड़े काम करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे। हर बच्चे में एक एक्सपेक्टर होता है वो निकल के बाहर आए। तो जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज़ मेरी उनसे गुजारिश है कि बच्चों के अंदर जो हुनर है उसको आगे लेके आएं, क्योंकि समय बदल चुका है। अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को बाबा साहब के पचनों पे अगर नहीं चला पाए तो जो हमारा कमिटमेंट है वो फेल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें सिखाएं कि हमें कैसे भी जो उनका जो त्याग और बलिदान है वो किसी भी तरीके से जाया नहीं जाए, किसी तरीके से बेकार नहीं जाए, उसको हमें आगे लेके जाना है। शिक्षा, शिक्षित, एजुकेशन, स्किलिंग, ट्रेनिंग सब सिनोनिम्स हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अच्छी शिक्षा लें, अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छा हुनर सीखें और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं, दुनिया सलाम करेगी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, बदलते हुए समय में जिसके पास पैसा है वही राज करेगा, समय बदल चुका है। तो हमें संसाधनों के अंदर अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की तरफ जाएं और उसमें अपने जो भी हमारी जो भी बेस्ट हो सकता है उसको हम करें, डिलीवर करें। और देखिए इस देश का इतना बड़ा मार्केट है, अगर हम छोटी से छोटी अगर लघु उद्योग इकाई भी स्टार्ट करते हैं, माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट भी स्टार्ट करते हैं आज, तो आप देखिए 40% मोटे मोटे तौर पे कहेंगे 40% जीडीपी ऑफ दिस कंट्री और इतना ही एम्प्लॉयमेंट मोटे मोटे तौर पर ये लगाओ ये एड्रेस करता है एसएमईस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल छोटे छोटे उद्योग धंधे 40%, सोचिए इस देश की जीडीपी का 40% और इतना ही एम्प्लॉयमेंट जहाँ रोजगार है। तो हम उस क्षेत्र के अंदर और जिसमें हमारी पहले से ही महारत हासिल है उसको हम छोड़े हुए हैं। हम देखते हैं बड़ी बड़ी हम नौकरियां करें, अरे ठीक है नौकरियां एक जगह हैं, अपनी जगह हैं, बच्चे जो टॉपर कर रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो ठीक है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे उस पर जाएं। लेकिन एक अगर किसी बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का हुनर है उसको पेरेंट्स कहते हैं नहीं तो पढ़ता ही रहे दिन भर, तो कैसे होगा फिर ये? उस बच्चे को वो चीज़ें इनकल्केट करें जिसमें उसकी इंटरेस्ट है। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि बाबा साहब के सपनों को मैं पूरा करने के लिए थोड़ी बदलते हुए समय के हिसाब से सोचना है, उनके साहित्य को पढ़ना है,
जो कि आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना उन्होंने 1950 1940s में लिखा. इतनी सारी किताबें लिखी हैं, एक से एक धुरंधर जो आप देखें, एक से एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड उन्होंने बुक लिख दी. सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अलग लाइब्रेरी है. मेरे एक मित्र हैं, उनके दोनों बच्चे भी कनाडा गए हैं. मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दोनों बच्चे कनाडा गए हैं. आप सोचिए जरा, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. क्योंकि हमारा विजन यहाँ नहीं है, हमारा विजन इंटरनेशनल लेवल का है. हमारा विजन बाबा साहब वाला विजन है. हमारे बच्चों में इतना हुनर छिपा हुआ है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर. अब हमारे बच्चों से बात करते हैं कि यार आपका तो रिजर्वेशन है, वैसे ही हो जाएगा. ये डिमोलाइज करने के तरीके हैं. तो बच्चे हमारा जवाब आजकल क्या देते हैं मालूम है आपको? कहते हैं कि यार ये रिजर्वेशन है ना, ये 50% आपके लिए है. हमारे लिए दुनिया है, हमारे लिए स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट फॉर अस. तो हम बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए. और फैमिली के अंदर प्लीज डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें, बच्चों को ये चीज़ सिखाएं. और एक दूसरे को लास्ट में मेरा एक संदेश और है जो बाबा साहब ने बार बार कहा था, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, इनको मैं स्ट्रेंथन करना है, इनको मजबूत करना है. ऐसी संस्थाएं निकल के आती हैं, एक सिनर्जी डेवलप करती है सोसाइटी के बीच में. तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम आके एक दूसरे के साथ आइडियाज को शेयर करते हैं. और ताकि आगे में भविष्य में क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ ऐसे मंच के थ्रू होती हैं. और लोगों को अवेयरनेस आती है, जो अवेयर है वही सस्टेन करेगा. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. तो हमें अपने समाज के बीच के अंदर व्यापार करना है सबसे पहले आपस के अंदर. क्योंकि अभी क्या है, हम लोग देखिए अपनी किचन का 10,000-20,000 रुपये हम बाहर दे आते हैं, मॉल में दे आते हैं, किसी दुकानदार को दे आते हैं. क्यों भाई, हम विदिन कम्युनिटी नहीं कर सकते क्या बिजनेस? हम अपने विदिन कम्युनिटी करने की सोचें. कितना बड़ा व्यापार अब आपस में ही करेंगे तो ही बात बन जाएगी. छोटे छोटे ग्रुप डेवलप करें. तो बिजनेस विदिन कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है. और जो बच्चे सामने निकल के आ रहे हैं उनको प्लीज़ आप एनकरेज करें. बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. और जय भीम. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.